आइए खबरों की शुरुआत करते हैं बरेली से आई खबर के साथ, जहां नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार बताया जा रहा है। आरोपी नासिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरीदपुर कस्बे में टेलर की दुकान चलाता है यह आरोपी। फरीदपुर थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज है। गर्दन काटने की धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था। यह शख्स नासिर है, टेलर की दुकान चलाता है और अब इस पर FIR दर्ज हो चुकी है फरीदपुर थाने में। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी का नाम नासिर है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। फरीदपुर कस्बे में टेलर है ये शख्स और अब FIR दर्ज की जा चुकी है। फरीदपुर थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज है। यही वो शख्स है जिसने नुपुर शर्मा को गर्दन काटने की धमकी देता हुआ वीडियो वायरल किया था और अब इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। फरीदपुर थाने में यह FIR दर्ज हुई है। आरोपी शख्स का नाम नासिर है, नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देने वाला यह शख्स है। इसकी वीडियो वायरल हुई थी और अब इस पर एक्शन लिया गया है। फरीदपुर थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। बरेली के शख्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पेशे से टेलर है और अब FIR दर्ज हो चुकी है फरीदपुर थाने में आरोपी के खिलाफ। यही वो शख्स है जिसका नाम नासिर है, नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देता हुआ एक वीडियो सामने आया था और उसी वीडियो पर अब एक्शन लिया गया है। देखिए, शख्स का नाम नासिर है, फरीदपुर थाने से नासिर गिरफ्तार किया गया। FIR दर्ज की जा चुकी है इस पूरे मामले में। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, बरेली के फरीदपुर थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। ये वही आरोपी है जिसने नुपुर शर्मा की गर्दन काटने का धमकी देते हुए वीडियो बनाया था और अब इस पर FIR दर्ज हो चुकी है। नाम है नासिर। तो बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की धमकी देने वाला और वीडियो बनाकर के सर्कुलेट करने वाला ये शख्स नासिर है, टेलर का काम करता है और अभी इस पर FIR दर्ज हो चुकी है। एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर नुपुर शर्मा की गर्दन काटने का धमकी देते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ था। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी अनूप लेते हैं, अनूप से लेते हैं, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनूप, क्या कुछ पता चल रहा है इस शख्स के बारे में, नासिर के बारे में? देखिए, ये जो नासिर नाम का युवक है, ये फरीदपुर कस्बे में इसकी टेलर की दुकान है और वहीं पर ये तमाम लोगों को सरेआम धमकी दे रहा था कि नुपुर शर्मा अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, और इस तरीके से खुलेआम वो धमकी दे रहा था, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और उसके बाद इस मामले में पुलिस तुरंत एक्शन में आई है और पुलिस ने आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर धाराओं में FIR भी दर्ज कर ली गई है। दरअसल ये जो नासिर है, ये फरीदपुर कस्बे में ही रहता है और वहीं पर इसकी टेलर की दुकान है। जब तमाम लोग इसके यहाँ अपने कपड़े सिलवाने के लिए पहुंचे थे, दूसरे समुदाय के लोग, तब उन्होंने उनसे ये कह रहा था कि नुपुर शर्मा ने हमारे धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसलिए नुपुर शर्मा अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। और इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो फिलहाल पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पुलिस ने आरोपी को तत्काल अरेस्ट भी कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल। और लेकिन इसका बैकग्राउंड कुछ पता चल रहा है नासिर, ये जो शख्स है? देखिए, नासिर के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, क्या वो किसी संगठन से तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि बरेली में लगातार दावते इस्लामी संगठन के लोग भी सामने आए हैं, उनकी गुल्लकें भी देखने को मिली है यहाँ पर, उसके लिए ठंडा भी इकट्ठा किया जाता है, तो कहीं वो दावते इस्लामी संगठन से तो नहीं जुड़ा है या किसी अन्य संगठन से तो नहीं जुड़ा है। फिलहाल पुलिस, क्योंकि अभी जांच चल रही है, अभी तत्काल, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसको तत्काल गिरफ्तार किया है, तो पुलिस अब सभी पहलुओं पर जांच कर रही है कि क्या इसका किसी अन्य संगठन से या किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना तो नहीं है। बिल्कुल अनूप, उदयपुर की घटना के बाद से कोई भी अब ये चांस नहीं लेना चाहता है। इस तरीके के वीडियो को अगर पाया गया है तो इस पर एक्शन लिया गया है। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया अनूप। सीतापुर से खबर है जहां मोहम्मद जुबैर को सीतापुर लेकर के पहुंची है पुलिस, ये खबर आ रही है। सीतापुर पे कोर्ट में पेश किया जाना है और पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है, कोशिश चल रही है। सीतापुर के खैराबाद में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस दर्ज है। मामला धार्मिक भावनाओं को उकसाने का, जिसका आरोपी है मोहम्मद जुबैर और अब इसे सीतापुर जेल लेकर के पहुंची है पुलिस। कोशिश यह है कि पुलिस रिमांड पर इसे लेकर के पूछताछ की जाए। ऐसे में देखिए, धार्मिक भावना उकसाने का आरोपी मोहम्मद जुबैर है, इस पर
अब पुलिसिया एक्शन रिमांड पर लेकर के आगे पूछताछ की कोशिश होगी। सीतापुर जेल में फिलहाल इसे पेश किया गया, जहां पर कोर्ट में पेश करने की बात सामने आ रही है। सीतापुर कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेने की कोशिश में है पुलिस। तो देखिए, मोहम्मद जुबैर ये शख्स है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। सीतापुर कोर्ट में पेश करने की ये तस्वीरें आ रही हैं। यहां अब पुलिस की कोशिश होगी कि रिमांड पर लेकर के गहनता से पूछताछ की जाए, ताकि पता चल सके कि क्या ये शख्स अकेला है या इसे किसी का साथ मिला हुआ है। अगर साथ मिला है तो इसके साथ कौन कौन से लोग हैं, ये तमाम सवाल है जिसके जवाब पुलिस लेना चाहेगी। यूपी चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज काशी दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम आज वाराणसी को 1774 करोड़ की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मोदी 43 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 4 घंटे का कुल ये दौरा है पीएम मोदी का, लेकिन 3 जगहों पर कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। काशी को सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री और अपने सांसद नरेंद्र मोदी का। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, देखिए ये 3 जगह जहां पर कार्यक्रम होने हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, पहला कार्यक्रम जहां अक्षय पात्र रसोई की एक और शुरुआत होगी, जहां 1 लाख से अधिक बच्चों को मिड डे मील बना करके परोसा जाएगा। दूसरा है कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, शिक्षा से जुड़े बहुत बड़े आयोजन का आगाज होना है। और इसके बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम के तीसरे फेज से जुड़े ये 3रे कार्यक्रम की तस्वीरें। तो देखिए ये 3 कार्यक्रम है, अक्षय पात्र से जुड़ा हुआ, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जहां शिक्षा से जुड़ी हुई एक्टिविटी है जिसकी शुरुआत करेंगे, और संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय जहां पर अगर खेल के मद्देनजर देखें इस पूरे स्टेडियम को सजा दिया गया, यहीं पर बड़ी जनसभा होनी है। आइए अब आपको एक एक कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हैं, डिटेल्स क्या है। पहला कार्यक्रम है ये 2 बजे इसकी शुरुआत होनी है, एलजी कॉलेज में अक्षय पात्र भोजन रसोई का उद्घाटन होना है। यहां से मिड डे मील सीधे स्कूल में भेजा जाता है बच्चों के लिए, और बच्चे कितने, करीब 1 लाख, 1 लाख बच्चों को मिड डे मील मिल पाएगा, जिसके उद्घाटन के साथ समझिए उनके खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहीं पर 20 बच्चों से पीएम मोदी संवाद भी करेंगे, और ये बच्चे होंगे प्राइमरी स्कूल के, यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ पीएम के संवाद का भी कार्यक्रम है। और ये पहले कार्यक्रम का आपने जो पूरा शेड्यूल देखा और सुना, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और ये पहला कार्यक्रम अक्षय पात्र फाउंडेशन सेंटर में आयोजित किया गया है। इसे लेकर के क्या क्या तैयारी है, लोगों को क्या लगता है इस कार्यक्रम को लेकर के, उनका क्या सोचना है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री आज काशी आने वाले हैं, और प्रधानमंत्री के काशी आगमन से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जो एलटी कॉलेज परिसर बोला जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और अक्षय पात्र मेगा किचन की शुरुआत करेंगे। आप देखिए यहां पर अक्षय पात्र मेगा किचन यहीं पे चलेगा। यहां पर अत्याधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, और इन मशीनों के जरिए लगभग 1 लाख बच्चों के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो इस बिल्डिंग में प्रधानमंत्री का आगमन होगा, और आगमन के साथ ही लगभग 20 बच्चों के साथ प्रधानमंत्री भोजन भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, और तैयारियां, आज पूरा शहर सजा हुआ है, हर तरफ बैनर पोस्टर हैं, लोग भी काशी के हैं, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। यहां पर आए थे आप लोग देखने, क्या देखा आप? हमने देखा यहां पर जो है कि यहां पर आएंगे और ये इतना बड़ा काम हो रहा है, मिड डे मील का, अक्षय पात्र का जो है हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। काशी कैसी सजी हुई नज़र आ रही है? बहुत अच्छी सजी हुई नज़र आ रही है। मोदी जी के आने से यहाँ पर जो है बनारस बनारस हो गया है, बन गया है बनारस, बहुत विकास हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि वो मोदी जी बार बार आएं यहाँ पर। ये चीज़ जो हम भी यही चाहते हैं कि भाई मोदी जी बार बार आए, और विकास तो चरम सीमा पर है यहाँ, और बढ़ता ही चला जा रहा है, और हम तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये विवेकानंद जी का यहाँ पर वो है, यहाँ विवेकानंद जी आए थे, ये ठीक बगल में है, वो भी स्मारक बन जाता है। चाहते हैं जी, हम चाहते हैं कि विवेकानंद जी का जो यहाँ है, यहाँ आए थे, रहे थे,
उस समय में यहाँ आते थे, बनारस रहते थे, उनका यहाँ है तो इनका स्मारक बढ़िया बनना चाहिए। हाँ, वो जो है हमारे, हम लोग ये चाहते हैं ठीक बन। आज पूरी काशी में बैनर, पोस्टर, झंडे और इसके साथ ही आपको उत्साह दिखाई देगा। हर ओर सुबह सवेरे से ही लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस साज सज्जा को देखते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के विकास के कार्यों को सराहते हुए नजर आ रहे हैं। तो काशी उत्साहित है, सज कर तैयार है और सिर्फ प्रधानमंत्री का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। नीतीश की रिपोर्ट आपने देखी, जहां से पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और अब बात कर लेते हैं दूसरे कार्यक्रम की। इसका वक्त जो है वो 2:45 रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर ये कार्यक्रम होना है और अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित होगा यहीं पर। इसके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर ये समागम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर से वाइस चांसलर डायरेक्टर यहां जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और शिक्षाविदों को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे और पीएम मोदी ओपनिंग सेशन को भी इनॉग्रेट करेंगे, उसका भी शुभारंभ करेंगे। ये दूसरे कार्यक्रम की रूपरेखा है जो हमने आपको बता दिया। तो दूसरा कार्यक्रम 2:45 पर रुद्राक्ष में हमने आपको बताया अखिल भारतीय शिक्षा का समागम होना है और क्या है ये तैयारी वहां पर, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और अखिल भारतीय शिक्षा समागम इसकी शुरुआत करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे और इस समागम में पूरे देश से आए हुए कुलपति और इसके साथ आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद रहेंगे। तो रुद्राक्ष आप देखिए किस तरह से सज कर तैयार हुआ है, आपको यहाँ पर पूरी तरह से सजा धजा बैनर, पोस्टर और झंडों का माहौल दिखाई देगा। और इसके साथ ही यहाँ से आज आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ से आने वाले समय में शिक्षा के किस तरह के आयाम हो इसकी दशा और दिशा भी तय की जाएगी। रुद्राक्ष इस बात का गवाह बनेगा और प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये जो रुद्राक्ष का वातावरण है वो और भी अलग हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, जो शिक्षाविद हैं उनको संबोधित करेंगे और उनको संबोधित करने के साथ ही आने वाले दिनों में शिक्षा की तस्वीर कैसी हो इस पर चर्चा भी करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। दो कार्यक्रम की आपने रिपोर्ट देख ली, अब बात कर लेते हैं तीसरे कार्यक्रम की। ये है डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में, यहाँ पीएम को जनसभा को संबोधित करना है और यही वो जगह है जहाँ 1,774 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को पीएम सौंपने वाले हैं। तो ये कुल बड़ी योजनाओं का जो पिटारा खुलेगा इसी स्टेडियम से संबोधन के जरिए ही बताएंगे। इसके अलावा 591 करोड़ की कुल 32 परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, ये यहीं से सामने आएगा, जिसमें पेयजल, सीवरेज और कई तरीके के प्रोजेक्ट हैं, उनका उद्घाटन होना है, यहीं से होगा। कुल 12 परियोजनाओं का पीएम शिलान्यास भी करेंगे, ये भी अहम रहेगा आपको बताएं। और जो स्टेडियम है इसके फेज 1 के निर्माण का शिलान्यास होगा, 80 करोड़ की लागत से पूरे स्टेडियम को रेनोवेट किया जाएगा, उसके पुनर्निर्माण पर भी चीजें सामने आएंगी, उसकी डिटेल्स भी रखी जाएंगी। और स्टेडियम का जो फेज 2 है इसका पीएम निरीक्षण भी करेंगे। तो ये है तीसरे कार्यक्रम की रूपरेखा और क्या क्या चीजें खास रहने वाली है, लेकिन जमीन पर क्या देखने को मिल रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के, देखिए इस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री काशी आएंगे और इस सिगरा स्टेडियम में यहाँ पर 25,000 लोगों को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनसे भी मुलाकात और बातचीत करेंगे। तो काशी की सड़कों पर आज आपको मोदी माहौल दिखाई दे रहा है, हर ओर बैनर पोस्टर हैं, हर ओर जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है, जो झंडे हैं वो दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही जनता एक सुर में मोदी मोदी कह के प्रधानमंत्री का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है। तो काशी में उत्साह है और पीएम का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर के सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा को लेकर के पीएम के लिए अलर्ट है, जिले में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा
सिविल डिफेंस को चौकस रहने के अलर्ट है, निर्देश है, और पीएम के रूट पर भारी सुरक्षा बल तैनात है जो कि स्टैंडर्ड है। 10,000 से ज्यादा जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा देखिए यहाँ पर पीएसी है, आरएएफ है और एसटीएफ की भी तैनाती की गई है और एसपीजी भी तीनों कार्यक्रम स्थल पर पहले से प्रोटोकॉल के तहत नजर बनाए हुए है। तो सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम चीजें व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। प्रधानमंत्री काशी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर काशी की सड़कों पर पोस्टर हर जगह आपको दिखाई देंगे, पोस्टर, झंडे और इसके साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी यहाँ पर चाक चौबंद है। जो चौराहे हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, चौराहों को सजाया भी गया है और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात होंगे। आपको बताएं, जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा तो आगमन से लगभग आधा घंटा पहले जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से टाइट हो जाएगी और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री का रूट है उस रूट से किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी। तो जल थल नभ तीनों स्तर पर जो सुरक्षा है उस पर नजर रखी जा रही है और पूरे वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहने वाली है, या यूं कहें तो चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री के आवास पर ही ये मुलाकात हुई है। सांसद प्रवीण निषाद भी साथ में मौजूद रहे। कई राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो आपको बताएं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री यूपी सरकार में मुलाकात करते नजर आए, जहां पे गृह मंत्री के आवास की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बेटे और सांसद प्रवीण निषाद के साथ ये मुलाकात की है संजय निषाद ने। बताया जा रहा है कि कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर इनकी बातचीत हुई है। अब बात पर्यावरण को बचाने के अनोखी पहल की और इसका आगाज किया है सोनभद्र के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने, जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी के तहत घर घर से प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए जिले के करीब 3,00,000 घरों में बोरियां टंगवाई हैं। करीब 4,900 किलो प्लास्टिक इकट्ठा भी किया गया है जिसे निस्तारण के लिए एक सीमेंट फैक्ट्री को भेजा गया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब प्लास्टिक से भरी गाड़ियों को डीएम और कई अधिकारियों की मौजूदगी में सीमेंट कंपनी की ओर रवाना किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी दे दें, पीलीभीत से बड़ी खबर यह है कि दावते इस्लामी के स्कूल बंद करने के निर्देश हैं। अवैध रूप से चला रहे स्कूल को 2 दिन में बंद करने के निर्देश हैं। दावते इस्लामी संगठन के स्कूल को नहीं मिली है मान्यता और स्कूलों में पाकिस्तानी तालीम देने का शहर काजी ने लगाया था आरोप और इसके बाद अब देखिए ये कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। आरोपों के बाद जांच टीम ने कल स्कूल में किया था निरीक्षण और इन स्कूलों को मान्यता नहीं है इसलिए इन स्कूलों को बंद करना होगा। स्कूलों में पाकिस्तानी तालीम देने का आरोप लगा था। आरोपों के बाद जांच टीम वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। दावते इस्लामी को लेकर बड़ी खबर, अवैध रूप से चला रहे स्कूल को 2 दिन के अंदर बंद करना होगा ये निर्देश है। दावते इस्लामी संगठन के स्कूल को नहीं मिली है मान्यता और ऐसे में स्कूल जो चल रहे हैं अब उनको बंद करना होगा। 2 दिन का समय है इसके लिए क्योंकि स्कूलों में पाकिस्तानी तालीम देने का शहर काजी ने आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद वहां पर जांच टीम पहुंची, स्कूलों का निरीक्षण किया गया और अब जानकारी इस बात की है, ताजा अपडेट यह है कि 2 दिन के भीतर इन स्कूलों को बंद करना होगा। तो देखिए, इन आरोपों की जांच होगी और जांच के बाद जो भी चीजें निकल करके आएंगी उस हिसाब से ही अगला कदम उठाया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध रूप से ये स्कूल चल रहे थे, 2 दिन में बंद करना होगा इन स्कूल्स को, ये आदेश आ चुके हैं। दावते इस्लामी संगठन के ये स्कूल हैं और इन्हें मान्यता नहीं मिली है फिर भी ये चल रहे थे और अब ये पाया गया है कि अब मान्यता न मिलने की स्थिति में इन्हें बंद करना होगा 2 दिन के भीतर। और विक्रांत मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, 2 दिन का समय दिया गया स्कूलों को बंद करने के लिए, कितने स्कूल हैं जिन्हें ये निर्देश पहुंचा है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से दावत इस्लामी संगठन को लेकर जिले भर में दुकानों पर गुल्लक इकट्ठा कर चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, उसी तौर पर दावत इस्लामी संगठन के तहत स्कूल भी अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक और शहर मौलाना जत्ताब रजा जो यहाँ के शहर मुफ्ती हैं उनके द्वारा सवालिया निशान खड़े करने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और अब लगातार कार्रवाई एक के बाद एक होती दिख रही है। कल एएसपी और एलआईयू और एजेंसियों ने जांच की थी और जांच के दौरान अब जो है एक एसएस मौर्या ने उसको जो स्कूल संचालित हो रहा था अवैध रूप से उसको बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए दावत इस्लामी संगठन के स्कूल को मान्यता नहीं है और इसी वजह से अब इन स्कूलों को दो दिन के भीतर बंद करना होगा। हालांकि जो डिटेल जानकारी है वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी तालीम इन स्कूलों में दी जाती है जिसकी वजह से अब इन स्कूलों को बंद करना होगा, क्योंकि जांच टीमें वहां पर पहुंची थी। जब जांच टीमें वहां पर पहुंची उसके बाद ये आदेश सामने आया है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ वहां पर मिला है। जिस तरीके के आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार पर अब ये बड़ा एक्शन करने का निर्देश है। दावते इस्लामी के जो स्कूल हैं वो बंद होंगे, अवैध रूप से इन स्कूलों को चलाया जा रहा है, दो दिन के भीतर इन स्कूलों को बंद किया जाना होगा जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, जिनको मान्यता नहीं है, और स्कूलों में पाकिस्तानी तालीम देने का शहर काशी ने आरोप लगाया था, जिसके बाद वहां पर जांच टीम पहुंची थी और कल स्कूल का निरीक्षण हुआ था। आपको बताएं यूपी की योगी सरकार गांव के विकास के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उनके इस कोशिश पर पानी फेर रहे हैं। कानपुर देहात के एक गांव में सड़क गायब होने का मामला सामने आया है। सरकारी कागजों में यह सड़क बन चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अभी तक आपने रुपये पैसे साजो सामान चोरी होने की घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने सड़क चोरी होने के बारे में सुना है? जाहिर है ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन हैरान करने वाला ये दावा कानपुर देहात के गांव खाला में किया गया है। 3 लाख रुपए की लागत से एक सड़क बनाई गई, हकीकत में इसका कोई नामो निशान नहीं है। गाँव के लोग आज भी कच्चे रास्ते पर चलने को मजबूर है। सड़क कागजों पर तो है, लेकिन जमीन पर गड्ढे और धूल ही मिलेंगे। जाहिर है ये भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। अधिकारियों की मिलीभगत से गांव का एक सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कागजों में बनी सड़क कभी हकीकत में बनकर तैयार हुई भी नहीं थी। ऐसे में गांव के प्रधान ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ काम ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी डीसी साहब जांच भी कर रहे हैं, जिन पे स्थल पे काम ही नहीं हुआ है, उनका भुगतान हो चुका है। आरोप है कि अधिकारियों ने सड़क बनाने का ठेका 2 फर्मों को दिया था, लेकिन सड़क बनने की जगह दोनों फर्मों ने अधिकारियों से मिली भगत कर 3 लाख रुपए का भुगतान ले लिया। जब प्रधान संघ ने प्रशासन से इसकी शिकायत की तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और फौरन मौके पर जाकर जांच की कार्रवाई की गई, लेकिन वहां सड़क नहीं मिली। हाँ, मुझे भी जय और जिलाधिकारी प्रमुख विकास अधिकारी महोदय को भी इसी ज्ञान में आया है और इसी कड़ी में हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी कमियां आएंगी तो इसके विरुद्ध जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और धनराशि की वसूली की जाएगी, तथा जो है इनकी अगर बहुत गंभीर शिकायतें मिलेंगी तो इनकी सेवाएँ भी समाप्त की जाएंगी। मामला बढ़ने के बाद सड़क का टेंडर लेने वाले दोनों फर्म ने पैसे वापस कर लिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यह है कि आखिर बिना किसी जांच के पैसों का भुगतान कैसे कर दिया गया, जबकि सड़क को भ्रष्टाचार का दीमक खा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।